नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त हम जो देख रहे हैं यहाँ पर रैली निकल रही है, वो बौद्ध धर्म की रैली निकल रही है और बौद्ध बौद्धों की जो रैली अब जो है जागृत कर रही है लोगों को। तो हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी है। सर, इस रैली से कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों को? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है इसका। लोगों को ये समझ आ रही है कि कुदरत ने लोगों को इंसान पैदा किया, जातियाँ कुदरत ने नहीं बनाई हैं, और धर्म भी अलग अलग समय अलग अलग खंड काल पर ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने बनाए हैं, और धर्म लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोग आजकल धर्म का इस्तेमाल हत्या करने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को समझ आना चाहिए धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है, धर्म झगड़ने के लिए नहीं है, धर्म प्यार पैदा करने के लिए है। और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मानवता है। सबको आपस में प्यार पैदा करने चाहिए, नफरत पैदा नहीं करनी चाहिए, उससे किसी का कोई भला नहीं है। सर, अच्छा, जिस तरीके से अभी धम्म यात्रा निकल रही है, एक तरफ कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, क्या ये भी हमारा एक उसी का अंश है? क्या चुनावी अंश तो नहीं है ये? नहीं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही कारण है जो पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं, कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं बच्चियों के साथ हो रहा है, कहीं बच्चे को घोड़ा छूने पर हत्या हो रही है, कहीं किसी की मूछ रखने पर हत्या हो रही है, किसी की घोड़े पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है। तो ये जो धर्म जाति के नाम पे जो उन्माद मचा है, वो धर्म के नाम पे जो उन्माद मचा है, बेसिकली इस उन्माद को रोकना है, लोगों को ये बताना है कि मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। और बौद्ध धर्म जो भारत से गया पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश है, जिसमें सबके लिए प्रज्ञा, करुणा और सील है। तो ऐसा धर्म जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जिसमें कष्टांगिक मार्ग है, लोग दुखों से कैसे मुक्ति पाएं, लोगों में प्यार कैसे पैदा हो, मानवता कैसे पैदा हो, एक ऐसा भारत बने जो प्रबुद्ध हो, जो ज्ञान पर आधारित हो, जो अंधविश्वास पाखंडवाद पर आधारित ना हो, उसके लिए ये धम्म यात्रा बुद्ध धम्म की निकाली जा रही है। और मैं समझता हूँ कि लोग इससे बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। बौद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, व्यक्ति से नहीं विचारधारा से जुड़ो। तो इस विचार के साथ तेजी से लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोग इसकी अहमियत भी समझ रहे हैं। इसका किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सर, जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं दलितों के साथ, जैसे मेघवाल हो या और भी हो, तो जिस तरीके से हो रहा है, तो क्या ये इस यात्रा से ये सब बंद हो जाएगा? हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच को समझें कि इंसान कुदरत ने इंसान बनाया है, जाति और धर्म नहीं बनाई। और लोग समझेंगे तो ये जाति और धर्म के नाम पे उन्माद बंद होगा, हत्याएं बंद होंगी, तो क्रांति आएगी। सर, निश्चित तौर पे आएगी। मानवता के लिए ये मार्ग सबसे उत्तम है और सबका इसमें मंगल है और सब लोग इसको चुन रहे हैं। तो सर, ये यात्रा यहीं पर ही सीमित हो जाएगी या आगे भी चलती रहेगी? ये लगातार चलती रहेगी। 2025 में जो 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में दीक्षित करने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प तक ये जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। जिस तरीके से धम्म यात्रा निकाली जा रही है, आप देख सकते हैं ये रैली पूरी दिल्ली को कवर करते हुए निकलती हुई जा रही है और यहाँ रोडों पर लगातार छकाछक जाम लगा हुआ है। और ये बस आप बुद्ध की बुद्धि, इस पर लिखा हुआ है जाति छोड़ो समाज जोड़ो, समाज को जोड़ने की बात करने वाली ये यात्रा है और कितना प्रभावशाली होगी ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, नंद नगरी, दिल्ली।